हेलो एवरीवन आज हम पढ़ेंगे साइज़ ओरिएंटेड मैट्रिक्स इन सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन इसमें हम काउंट करते हैं जो कोडिंग की लाइंस है कि कितनी इसमें लाइन ऑफ कोड लिखी गई हैं जितनी लाइन ऑफ कोड लिखी गई हैं उसके मुताबिक हम उसे साइज मैयर कर लेते हैं तो चलिए फिर रीड कर लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है दिस मैट्रिक्स इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड एर्यर मैट्रिक्स डैट इज़ यूज टू फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम टू मैयर साइज़ ये जो है सबसे सिंपल और एक सबसे पहली जो मैट्रिक्स एक और साइज़ मयर करने की एक मैट्रिक्स है जिसमें साइज मयर किया जाता है प्रोग्राम का साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स आर आल्सो यूज फॉर मयरिंग एंड कंपेयरिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोग्राम इसमें जो है मयर किया जाता है आल् एक तो साइज मयर किया जाता है और दूसरा प्रोडक्टिविटी भी मैयर की जाती है इसमें किसी भी प्रोग्राम की इट इज़ डायरेक्ट मयर ऑफ़ द सॉफ्टवेयर साफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर की डायरेक्ट मयरमेंट है द साइज़ मयरमेंट इज़ बेस्ड ऑन द लाइन ऑफ कोड कंप्यूटेशन इसमें मैंने पहले भी बताया इसमें नंबर ऑफ़ लाइन जो कोडिंग लाइन होंगी कितने नंबर ऑफ लाइन्स में कोड लिखा गया है वो आप काउंट के उसके वो उसकी बेसिस पे बे ये यह यहाँ पे साइज़ काउंट किया जाता है फॉर एग्जांपल अगर ये सिंपल वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह अगर फाइव लाइन लिखी हुई है तो इसका साइज़ है वो कोड का वो फाइव है द लाइन ऑफ द कोड आर डिफाइन एज वन लाइन ऑफ टैक्स इज़ इन आर सोर्स फाइल इसमें नंबर जैसे एक लाइन ऑफ़ टैक्स ये सिंपल लाइन ऑफ टैक्स है जैसे ये एक लाइन ऑफ टेक्स है इसी तरह अगर इसमें कोड लिखा होगा हो तो वो कोड होगा सिंपल एक लाइन हो जाएगी कोडिंग की अब इसमें कुछ है वाइल्ड काउंटिंग द लाइन ऑफ कोड सिंपले सिंपलेस्ट स्टैंडर्ड इज कुछ स्टैंडर्ड हैं कि लाइन आप कैसे काउंट करेंगे डू नॉट काउंट ब्लैंक लाइन इसमें ब्लैंक लाइन नहीं काउंट की जाएंगी कि वो वो नंबर ऑफ लाइंस नहीं काउंट की जाएंगी जो ब्लैंक है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ डू नॉट काउंट कमेंट्स इसमें जो कमेंट्स लिखे जाते हैं लैंग्वेजेस में अंडरस्टैंडिंग के लिए तो वो भी काउंट नहीं किए जाएंगे साइज के तौर पर काउंट एवरी थिंग एल्स इसके बगैर जितना भी कोड होगा को वो आप काउंट uh, कर सकते हैं द साइज ओरिएंटेड मेजर इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड इसको हर जगह एक्सेप्ट नहीं किया जाता क्योंकि नंबर ऑफ लाइन जो आप काउंट कर रहे हैं बाद लैंग्वेजेस में तो उसके लाइन बाय लाइन जो होती है वो आप काउंट कर सकते हैं लेकिन कुछ लैंग्वेज ऐसी भी होती हैं जिसमें एक ही लाइन में सब कुछ आप लिख सकते हैं जैसा कि सी प्लस प्लस है तो वो उसमें फिर साइज़ वन आ जाएगा बेशक हज़ार वर्डिंग का या हज़ार उसमें जो कोडिंग लाइन हूँ लेकिन वो आप एक लाइन में लिख देंगे तो उसका साइज़ वन आ जाएगा इसलिए इसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया जाता इसमें कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं यूजिंग दीज मैट्रिक्स इट इज़ वेरी सिंपल टू मै मैयर साइज ये साइज़ मयर करने के लिए बहुत ही सिंपल मैथड है आर्टिफैक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विच इज ईजी काउंटिंग काउंटिंग इसमें ईजिल आप काउंट कर सकते हैं कितनी नंबर ऑफ़ लाइन है इसमें अच्छा डिसएडवांटेज क्या है दिस माइर इज डिपेंड अपॉन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड करता है फॉर एग्जांपल अगर आप सी प्लस प्लस में कोडिंग कर रहे हैं तो आप एक ही लाइन में सारा कोड भी लिख सकते हैं वो आपको अलाउ करती है तो उसमें नंबर ऑफ़ साइज जो हो जाएगा वो वन हो जाएगा जब आप पाइथान में अगर आप लेंगे कर रहे हैं कोडिंग तो आपको जो है उसमें औरिएटेशन को मद्देनज़र रख के की जाती है उसमें नंबर ऑफ़ लाइन जो है वो ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू सी प्लस प्लस की तो इसलिए ये डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे थ्रू इट इज़ अ सिंपल टू मयोर बट इट इज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड इट फॉर यूज़र लेकिन ये मयूर करने में तो ईजी है लेकिन ये यूज़र को अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल लगता है इट कैन नॉट मयोर साइज़ ऑफ स्पेसिफिकेशन एज़ इट इज़ डिफाइन ऑन कोड इसमें जो है कोडिंग में स्पेसिफिक specific, स्पेसिफिकेशन जो होती है कोडिंग की वो मयूर वगैरह नहीं की जाती सिंपल लाइन काउंट की जाती है यह था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैट्रिक्स तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग